बाबा रामदेव, एक नाम जो विश्व के करोड़ों लोगों के लिए जुड़ गया था। अच्छे स्वास्थ्य से, निरोग्यता से, सहज सरल योग से, उस नाम के साथ जब जुड़ गया नाम सुप्रसिद्ध वैद्य आचार्य बालकृष्ण का, तो जन्म लिया विश्व के सर्वश्रेष्ठ योग व आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र पतंजलि योगपीठ ने। इस केंद्र का नाम पतंजलि योगपीठ इसलिए है क्योंकि महर्षि पतंजलि पूर्ण स्वास्थ्य के पूर्ण विशेषज्ञ थे, और पतंजलि चिकित्सालय का भी प्रयास है लोगों को पूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाना। पतंजलि योगपीठ जो 1995 में जन्मा था, दिव्य योग मंदिर के रूप में बहुत छोटे पैमाने पर बहुत बड़े संकल्प के साथ, और वो संकल्प था मानवता को निरोग करने का, मन से, तन से, विचारों से व शरीर से। हमारा मन ही हमारी पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है। दूषित विचार ही दुख बीमारी का मूल कारण है। आज की भागम भाग की जिंदगी में लोग तनाव में जीते हैं। यदि आध्यात्मिकता में जीते तो तनाव ना होता। तनाव से ही तो पैदा होती हैं अनेक बीमारियां। इसीलिए पतंजलि योगपीठ में हम योग, ध्यान एवं सकारात्मक भावों से हम आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं। पतंजलि योगपीठ में दिन ही शुरू होता है यज्ञ व विश्व कल्याण, विश्व शांति की प्रार्थना के साथ। उसके बाद तो हर घंटे यहाँ योगाचार्य द्वारा योग कक्षाएं दी जाती हैं, सबको स्वस्थ करने के लिए। शरीर को डिटॉक्स योग से, प्राणायाम से तो किया ही जाता है, साथ में पंचकर्मा, षटकर्म, अभ्यंग, शिरोधारा, कटिवस्ति, जल नेति, रबर नेति और त्राटक जैसी क्रियाओं से शरीर को स्वच्छ कर दिया जाता है। पतंजलि में एक ही भवन में 200 से अधिक योग आयुर्वेद प्रशिक्षकों द्वारा 2500 से ज्यादा रोगियों को चिकित्सा दी जाती है, जहां वैद्यों द्वारा डायग्नोस निशुल्क है। रहने के लिए पतंजलि योगपीठ चिकित्सालय में 200 बेड्स का आयोजन किया गया है। रोगियों के लिए सिंगल आरामदायक कमरों से लेकर डॉर्मेट्रीज बनाई गई हैं। इस दृष्टिकोण से कि ये अस्पताल न लगकर एक स्वास्थ्य केंद्र लगे व रोगी मानसिक रूप से निरोग महसूस करें यहां, जबकि जरूरत पड़ने पर परीक्षण नाड़ी से तो है ही, यहां साथ में आधुनिक मशीनों से भी परीक्षण उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, नेत्र रोगों के लिए चिकित्सालय व अनुसंधान केंद्र है यहां। ऐसे ही दंत चिकित्सालय में अंग्रेजी और देसी दोनों इलाज उपलब्ध हैं। रोगियों की सुविधा के लिए व उन्हें शुद्ध औषधियां न्यूनतम मूल्यों पर उपलब्ध हो, इसके लिए पतंजलि योगपीठ की दिव्य फार्मेसी शाखा यहीं हरिद्वार से उच्च गुणवत्ता युक्त आयुर्वेदिक औषधियां तैयार करती है। क्वालिटी कंट्रोल पर हम विशेष ध्यान रखते हैं। जो प्रोडक्ट प्रमाण पर नहीं उतरता वो रिजेक्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, आचार्य जी स्वयं भी इंस्पेक्शन करते हैं। जल्द ही पतंजलि योगपीठ के प्रयासों का परिणाम नजर आने लगा, जड़ी बूटियों से तैयार की औषधियों और योग का परिणाम। लोगों को इनसे लाभ होने लगा तो मांग बढ़ने लगी। इस वजह से बनानी पड़ी पतंजलि आयुर्वेद के रूप में दूसरी औषधि निर्माण संस्था। यहाँ विश्व स्तरीय मानकों के अनुसार औषधि निर्माण और अनुसंधान किया जाता है। वैसे तो दुनिया भर के लोग किसी न किसी रूप में अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद जड़ी बूटियों के सेवन से पहले ही जुड़े हैं, पर इन जड़ी बूटियों से बनी औषधियों का विशेष लाभ होने लगा। इसके अतिरिक्त पतंजलि योगपीठ अस्पताल में आने वालों का हर तरह से ध्यान रखा जाता है।
इसके अलावा यहाँ है ज्ञानवर्धक एवं आध्यात्मिक पुस्तकों का श्रेष्ठ पुस्तकालय। बाहर की दुनिया से संपर्क में रहने के लिए साइबर कैफे भी है यहाँ। सबको आहार में शुद्ध दूध व घी मिले, इसके लिए पतंजलि योगपीठ के पास ही भारतीय नस्ल की गायों की गौशाला भी बनाई गई है, जहां नस्ल सुधार व पंचगव्य के ऊपर अनुसंधान कार्य तो किया ही जाता है, साथ में मिल जाता है गो सेवा का अवसर। और स्टरलाइज तरीके से एकत्रित किए गए गोमूत्र व पंचगव्य से कैंसर जैसे भयानक रोगों में भी लाभ पहुंचाया जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी हम संपूर्ण देशवासियों को लाभ नहीं पहुंचा पा रहे थे, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। उसको ध्यान में रख करके यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को हमने योग में प्रशिक्षित किया, प्रशिक्षण दे करके देश सहित विदेशों में योग कक्षा लगाने के लिए उनको भेजा। आज 1 लाख से ज्यादा निःशुल्क कक्षाएं देश विदेश में चल रही हैं और आयुर्वेदिक सेवा से लाभ पहुंचाने के लिए 1000 से ज्यादा आयुर्वेदिक चिकित्सालय देश के अंदर एवं अनेकों चिकित्सालय विदेशों में चल रहे हैं। इसके अलावा फैक्स, इंटरनेट व फोन से भी पतंजलि योग पीठ 24 घंटे अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती है। सर, देयर इज अ कॉलर फ्रॉम न्यूजीलैंड, हिज नेम इज डैरिल। जब मिलने लगा लोगों को लाभ और बढ़ने लगी लोगों की भीड़, तो इतनी बड़ी जगह भी छोटी पड़ने लगी। इसके लिए बनाया गया द्वितीय चरण का भव्य भवन, यहाँ बैठ सकते हैं 150,000 लोग और साथ में की गई आवास की व्यवस्था। इतना कुछ होने के बाद भी ऐसा लगता था, बालकृष्ण, योग और आयुर्वेद के माध्यम से हम देश और दुनिया को तो स्वस्थ बना देंगे, परंतु हरिद्वार आने वाले गरीब, बेबस और असहाय लोगों के लिए क्या? तो उनके लिए बना दी एक विशाल धर्मशाला, जहां हर रोज 5,000 लोग निशुल्क प्रसाद पा सकें और 1,000 लोग निशुल्क रह सकें। कहीं साधनों की कमी थी समाज में, तो कहीं भावनाओं की। तो बना दिया पतंजलि योगपीठ ने वानप्रस्थाश्रम, जहां वृद्ध नागरिक आत्मसम्मान व शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। और जो लोग कुदरत के बीच सुकून ढूंढ रहे हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके लिए बना दिया योगाश्रम। ये देश का उत्तम प्राकृतिक चिकित्सालय है। यहां प्राकृतिक चिकित्सा के साथ पंचकर्मा की चिकित्सा की व्यवस्था व योग भी है। पर आयुर्वेद का व्यापकता के साथ प्रचार न होने में योग्य चिकित्सकों की कमी और एक लंबे अंतराल तक इसके ऊपर अनुसंधान न होना है, ये समझते हुए पतंजलि योगपीठ ने खड़ा कर दिया पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, जहां से अब तैयार होने लगे योग्य आयुर्वेद चिकित्सक। और कुछ ही समय बाद यहां बना दिया पतंजलि महाविद्यालय। यूं तो पतंजलि योगपीठ हर तरह की स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा था, पर इसके अलावा कई और मानवीय कार्यों के लिए ये संस्था हमेशा तत्पर थी। 2008 की बिहार बाढ़, 2005 की सुनामी, दोनों कार्यों में पतंजलि योगपीठ सहायता लेकर पहुंचा और 2009 में शहीदों के लिए सम्मान और सहायता लेकर। गंगा बचाओ अभियान में बाबा रामदेव ने सब धर्मों के लोगों को साथ लेकर गंगा को राष्ट्रीय हेरिटेज घोषित करवाया। पर्यावरण की रक्षा के लिए और शुद्ध औषधि निर्माण के लिए पतंजलि योगपीठ ने जड़ी बूटियों का संरक्षण किया और उनके संवर्धन का कार्य शुरू करवाया। इसके अलावा 2010 में खड़ा कर दिया लोगों व सरकार के सहयोग से देश का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा फूड व हर्बल पार्क। एक किसान का बेटा होने के नाते योग गुरु रामदेव को पता था कि किसान की पैदावार को बेहतर मूल्य तभी मिलेगा जब उसकी उपज से दूसरे पदार्थों का उत्पादन हो, यानी फूड प्रोसेसिंग।
इसी उद्देश्य से इस हर्बल पार्क की नींव रखी गई ताकि किसानों को सीधे बेहतर दाम मिले बिना बिचौलियों के और लोगों को शुद्ध और सेहतमंद पदार्थ मिले कम मूल्यों पर। पतंजलि योगपीठ के लिए ये सब यात्रा का आरंभ है, अंत नहीं। जब तक जीवन है स्वामी रामदेव व आचार्य बालकृष्ण जनहित की गतिविधियों के साथ जुड़े रहेंगे और ये अभियान चलता रहेगा।